नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना मानसिक रूप से लोगों को मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे विशेष दिन होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से अगर एक भी चीज आप नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान अपने घर पर ले आते हैं, तो इससे आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपको और आपके परिवार में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। माता रानी आपके घर में धन के भंडार भर देंगी। आपके घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही कराना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 16 श्रृंगार के बारे में। 16 श्रृंगार में लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रबर और आप माँ दुर्गा को साड़ी या लहंगा चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए और माँ दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति रख दें। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो ध्यान रहे कि जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती है, उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करने चाहिए। ऐसा करने से माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्रि के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन ब्राह्मणी या किसी गरीब महिला को दान दे सकती हैं, या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के रूप में इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जानते हैं नवरात्रि के दौरान करने वाले दूसरे उपाय के बारे में। नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप सोने या चांदी का सिक्का ले आएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रखें और नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर होगी। नवरात्रि के 9 दिनों बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें या फिर किसी स्थान पर धन के साथ आप इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कमल के फूल को धार्मिक शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। नवरात्रि के दौरान कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का चित्र लेकर आएं और इसे नवरात्रि के दौरान अपने घर के उत्तर दिशा में लगाएं और महालक्ष्मी से अपनी कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होगी। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख को भी घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में ये शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण यह अत्यंत मंगलकारी होता है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ही नहीं हो पाता। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों न हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंचा पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु, चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख को माना गया है। इसके प्रयोग से दरिद्रता और रोग आदि मिट जाते हैं और सब प्रकार से प्रसन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ अद्वितीय हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप
इन चीजों को भी नवरात्रि के दौरान अपने घर पर ला सकते हैं। इनमें सबसे पहले आप नवरात्रि में माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्रि में 7 कौड़ियां लाएं और इन्हें हल्दी से पीले रंग का रंग दें। इन कौड़ियों को माता रानी के पास चौकी पर रख दें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आप माता रानी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करें। कौड़ी पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प छिड़कें। फिर नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में दोगुनी चौगुनी बढ़ोतरी होगी। कौड़ी को धारण करने से बुरी नजर और संकटों से भी रक्षा होती है। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से भक्तों पर उनकी असीम अनुकंपा बरसती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह की महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना। गुड़हल के पुष्प में अंकुरण निकलने की वजह से भी यह देवी माँ का बेहद प्रिय पुष्प माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरण वाले भाग में खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के दौरान गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर माँ दुर्गा की पूजा करने से माता रानी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, आप सभी ने माता रानी के मंदिरों में छत्र देखे होंगे। आभा मंडल, छाया, सम्मान और सत्ता के सूचक होते हैं ये छत्र। नवरात्रि के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की और अपने घर परिवार की सत्ता माता रानी के हाथों में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को नवरात्रि के दौरान छत्र अर्पित करते हैं, माता रानी उनके परिवार की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। उन्हें उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती हैं और सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से उनकी रक्षा करती हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप माता रानी को चांदी का या सोने का, बड़ा या छोटा, कैसा भी छत्र अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ये वस्तुएं घर लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत खुल जाती है, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से आभार।